विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू करना बहुत महंगा साबित हो सकता है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोविड 19 का नया सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक म्यूटेंट बताई जा रही है जो मानव कोशिकाओं को बुरी तरह से संक्रमित करने में सक्षम है। यह वेरियंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और इसके बाद यह तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और ब्रिटेन सहित 24 से अधिक देश आ चुके हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की गंभीरता, जोखिम और प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन चल रही है। प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला है कि यह वेरिएंट अन्य के मुकाबले काफी तेजी से फैल सकता है, जिससे जल्दी ही मामलों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि यह मान लेना उचित होगा कि वर्तमान में उपलब्ध टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने कोविड 19 टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के प्रयासों को और तीव्र करने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सामने आई खबरों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने कई अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध या क्वारंटीन अवधि के नियम लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, वायरस के संचरण को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने का विकल्प हालांकि प्रभावी है, मगर यह एक बहुत महंगा उपाय है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, हम वायरस और इसके वेरिएंट को फैलने, आगे बढ़ने और हमें चुनौती देना जारी नहीं रख सकते हैं और ना ही ऐसा होना देना चाहिए। हमें इसके प्रसार को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी, इंडोर स्थान का वेंटिलेशन, भीड़ से बचना और हाथ की स्वच्छता कोविड 19 के संचरण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि उभरते हुए वेरिएंट से बचने के लिए भी यह प्रभावी उपाय है। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।